is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 9 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को उन्नत M3 मशीनों से बदल देगा। सरकार ने ये जानकारी संसद में दी। ये मशीनें किसी तरह का छेड़छाड़ का प्रयास करने पर निष्क्रिय हो जाएंगी। नए ईवीएम के 2018 के अंत तक लाए जाने की संभावना है। ये कदम फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक नेताओं द्वारा ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर उठाया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि M3 ईवीएम प्रौद्योगिकी तौर पर उन्नत है। इनमें और दूसरे ईवीएम के संचालन में कोई अंतर नहीं है। इससे बूथ प्रबंधन प्रणाली प्रभावित नहीं होती है। Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India.